नमस्कार किसान साथी, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मैसेस अग्रवाल जीत ग्रह प्राइवेट लिमिटेड हाथरस रोड जनपद सादाबाद में। और आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिना स्किप के अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हासिल होगी कि रक्षाबंधन के पर्व पर आलू का क्या रुझान चल रहा है, क्या तेजी है, क्या मध्य है। लेकिन आपसे पहली क्लियर बात कर दूँ क्योंकि क्वालिटी के आधार पर ही आलू बिकता है, न कि हर आलू एक जैसा बिकता है। अगर कि आप लोगों के दिमाग में ये लगा हुआ है कि उसका आलू 900 बिका है तो मेरा भी 900 बिकना चाहिए, तो क्वालिटी बेस पर ही आलू बिकता है। और क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है तो आलू के रेट आज भी अच्छे हैं, अगर क्वालिटी डाउन है तो आपका आलू आज भी डाउन है। अब ऐसे में आप लोगों के बीच में जिज्ञासा ये रहती है कि अब होना क्या है, तो होना के लिए तो ये आलू है, ये सब्जी है, इसका कुछ भी हो सकता है, ये तो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन औसतन दाम लेने हैं तो आप ले सकते हैं, और आगे आपको लग रहा है कि आलू आगे जाके महंगा हो सकता है तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। चलिए अब बोली देख लेते हैं, बोली का क्या रुझान चल रहा है, उसके बाद में विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करते हैं। 1 रुपया। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं, पूछ लेता हूँ अभी दो सैंपल का रेट लगाया है, क्या रेट लगाया अभी? 750 चल रहा है यहाँ रेट। ये अभी जो मोटा आलू बिका है वो क्या रेट बिका है? 700 कितना था वो? 726। और गुल्ला? गुल्ला उससे सस्ता है, उससे सस्ता है। क्या क्या कारण रहा कि रेट में का नीचे है? चमक वमक का आलू होता है, अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी के हिसाब से आलू का पैसा लगता है। इसमें क्वालिटी सही नहीं थी क्या? क्वालिटी थोड़ी डाउन है उसके। किसान ने कितना मांगा? किसान ने मांगा 850 से करीब। 850 उसके रेंज का आपकी नज़र में था या नहीं? नहीं था। आप भी किसान हैं तो? हाँ, उसकी रेंज का नहीं था। उसकी रेंज का नहीं था, डाउन हो गया ना आलू का भाव, तो इसीलिए सस्ता चल रहा है। आप जैसे किसान, भैया बुरा मत मानना, आप जैसे किसान ये कहते हैं कि हमारा आलू तो 850-900 कोई भी बिकना है जी है वो है, और के व्यापारी ने जब लगाए तो इसके आप बता रहे हैं 755 लगाए, तो ऐसे में क्या दिख क्या रहा है? ये बता देंगे ऊपर से मंडी सस्ती चल रही है ना, वो तो हमें पता है। जयपुर आज 10 रुपये किलो डाउन में बिकी है तो 14 ऊपर बिकी है। हाँ, अभी इसीलिए महंगा नहीं हो पा रहा है, मंडी सस्ती है और आलू क्वालिटी थोड़ी डाउन है उसके। क्या क्वाल 950 और 1000 रुपये तक का जो बता रहे हैं, कहीं लग भी रहा है कि अभी फालतू का हल्ला उड़ रहा है? हल्ला उड़ रहा है, वैसे अभी कोई है नहीं, कुछ नहीं है, 1000 रुपये वाला कोई व्यापारी लेने वाला है ही नहीं। अरे कुछ लोग सिरसागंज से भी उड़ा रहे हैं कि हमारे यहाँ 950 चल रहा है, क्या सिरसागंज में 950 चल रहा है? अरे वो चिप्सोना वगैरह से और क्वालिटी वाला आलू होगा, वैसा कोई नहीं है। 37-37 नहीं नहीं नहीं, तो यानी कि आप अब मानना शुरू कर दिया कि क्वालिटी ही बिकती है? हाँ, क्वालिटी ही बिकती है। ये सेकंड फर्स्ट ग्रेड में तो है नहीं? फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, फर्स्ट में होता तो क्वालिटी के हिसाब से और पैसे आज ज़्यादा लगते हैं। फिर भी किसान ने 850-900 मांगे। हाँ जी, मांगने के लिए तो 1200 ही मांग सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, सब अपने की उम्मीद होती है। ठीक, चलिए भैया, इसमें किसानों को क्या करना चाहिए? किसान अपना देखना चाहिए, उस बेनिफिट हो रहा है तो बेके, थोड़ा आगे देखे फिर अगली बोली पाई, फिर उसका क्या है। मतलब कोल्ड में एक बात तो है भैया कि अगर आपका आपको संतोषजनक दाम नहीं मिले तो अब आपने अपना नहीं बेका, अंदर रख दिया, मंडी में जाएंगे तो क्या होता है? मंडी में जाके यहाँ तो भाव लगे ऐसा बेचना ही पड़ेगा, वहाँ जाके तो क्या है, यानी कोल्ड में पैसा टूटेगा ऐसा ये सिस्टम है। यहाँ तो अंदर रख दिया, वहाँ से तो बेचना ही, वहाँ तो बेचने को यहाँ से जाएगी गाड़ी भाड़ा लेके, ऐसे थोड़े बाद से वापस लेके आना आलू, वहाँ तो बिकना ही बिकना है मंडी में। तो किसान साथियों, भैया ने बात बताई और बिल्कुल सही लगा, अगर आपको भी थोड़ी पसंद आनी चाहिए क्योंकि भैया ने एक बात कही है, किसान के नाते क्वालिटी बिकती है, अगर क्वालिटी अगर इससे 19 होती तो इसके दाम भी जितना किसान ने मांगा था उतने मिल जाते। हाँ जी, चलिए किसान साथियों, अब दो सैंपल की बोली हुई है, आगे देखते हैं बोली का क्या चल रहा है। साथी मेरे साथ में एक और किसान मौजूद हैं और नीचे कैमरा मंजरा दिखाएं, यह आलू है इनका 37-97 आलू है, और मैं इनसे पूछ लेता हूं कितनी इनसे उम्मीद थी और क्या स्थिति इस समय पर इनके आलू की लगी है। जी भैया, 605 की लगी है साहब, 705। हाँ, 705 रुपये का। कौन सा आलू? 37-97 में क्या इन्होंने क्या कहा है? 705 को लेंगे साहब, 705। आपको आपको कितना चल रहा है? हम तो जी है कि 800-800 तक तो रेट चल ही रहे हैं, 850 तक के हम तो ये चाह ही रहेंगे भाई, जाए साहब को बिक जाए, बढ़िया ही मिल जाए रेट। मिल नहीं पाए? नहीं मिल पाए भैया। कुछ तो कह रहे होंगे व्यापारी? कुछ नहीं कह रहे भैया, वो तो 705 को लगाएगा और छुट्टी अलग हटेगी।
कुछ नहीं कहा, मनमानी। हाँ मनमानी हो रही है, मनमानी हो रही है भैया। किसान को गुमराह किया जा रहा है कि मतलब ये कोल्ड में बढ़िया है, ये सारी चीज़ें सब व्यर्थ हैं, कुछ नहीं है। आपको भी लग रहा है? हाँ लग रहा है सर। जब उस समय जब भैया तो वहीं से जा रहा था, खेत में जा रहा था, यहाँ क्या फ़ायदा हुआ लाने से बताओ? ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए था ना। हाँ 150 रुपये से भाड़ा भाड़ा इसका, ये तो खर्चा पड़ रहा है भाई। अभी भाड़ा 150 रुपये का जा रहा है और उसमें पल्लेदारी वगैरह दुनिया भर के खर्चे हैं। बड़े भैया जिस समय पर खुदाई चल रही थी, हम खेतों में जा जा के दिखा रहे थे, बम्पर पैदावार निकल रही है, कोल्ड बढ़ जाएंगे, तब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, कम पैदावार निकल रही है, झूठ बोल रहा है, ये शराब पी के बना रहा है, ये करके बना रहा है। और अब स्थिति क्या हुई, जब आपके 750 रुपये तक खेत से बिक रहा था, तो अब आप कहने के लिए मजबूर हुए कि नहीं हुए? मजबूर हैं भाई, जब उचित तो ज़्यादा टाइम पे खेत पे ही दे देते वही बढ़िया हो। अब यहाँ आए के काम लो, 150 रुपया छाती बजो ट्रैक्टर डाल वाले को दुनिया भर को जाए रो, क्या बचा हमें? उस समय पे तो सभी किसान जो है गाली गलौज करने पे उतारू हो गए थे कि ये सोनुआ तो पागल है, वो है पैदावार तो 45 की कर रही है और कोल्ड ना भरे जाएंगे। अब भैया देखो बुरा मत मानना, अब तो देखो होने लगा, अब मनमानी हो रही है। मनमानी हो रही है भैया, मनमानी। दूसरा कारण मैं आपको ये बताऊं, अभी 1 महीने पहले जब ये व्यापारी और भंसारी ये कर रहे थे खेल को, 900 साढ़े 900 के रेट चला दिए इन्होंने, 1000 रुपये तक भी चला दिए, 1050 तक के भी सौदे करा दिए। सौदा भाई होंगे 200 सैंपल खुल गए, हमें तो एक को बिगो भाई को अल्लाह है। बस वही चीज है, अल्लाह कोर अल्लाह, तो वो तो है। अभी सिरसागंज में एक कोल्ड में है, उसमें बिक गया उसका आलू, एक मतलब 150 सैंपल में से 2 सैंपल के बिक गया, एक का लगा 900, दूसरे का लगा 950, अब 100 सैंपल में से 2 के लगे, अब हल्ला मचा दिया का मेरो बिको पलाने को बिको। वो एक आध को ही है भैया, काउगर एक काउ को ना है। अभी इस समय मनमानी की सबरी चॉइस, अपनी मनमानी चल रही है। बंसारी ने तो 950 और 1000 रुपये का भाव बनाए के एक रोमर उड़ाए के ये हो रहा है, वो अफवाह है, किसान का नाश कर दिया भैया, कुछ नहीं है किसान को, कुछ नहीं बच रहा है, 600 रुपये नुकसान जा रही है बाबे ते बचो कुछ आ रहा किसान की यहाँ कोल्ड में ऐसे ऐसी मार दे रहे हैं। इस जाल में फंसे के नहीं फंसे, शुरुआत में तो ये था, देखिए मैं बता दूं आपको, शुरुआत में ये था कि आलू निकल रहा है बहुत ज़्यादा कम, कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, आप सब लोगों ने क्या किया था, धर बेटा कोल्ड में भर, दे कोल्ड में सबरो आलू कोल्ड में आए गो, कोल्ड में आने के बाद में कोल्ड उसके बाद में अब क्या हुआ, 900 साढ़े 900 या 1000 रुपये तक का एक बाजार, कृत्रिम जो फर्जी बाजार है वो बना दिया। आप लोगों को लगा कि 950 है गो, 1000 बिक रहा है आप आगरा में और फिरोजाबाद में जी बिक रहा है, और अब तो हम तक 1200 होगा हमारा आलू, आप रुक गए क्योंकि उन्होंने ये फर्जी वाला फैलाया आलू आप लोगों का रुकवाने के लिए, क्योंकि 850-900 की चल रहा था। अफवाह उड़ाई से आप, अफवाह में आप फंसे, और जब उन्होंने अपना आलू निकाल दिया, क्योंकि आप लोग तो 1200 कर दिया, मर्दा कर दिया उन्होंने, तो अपना आलू निकाल दिया कोल्ड से, हमें अब काहे लो बैठा रहोगे तुम बताओ। गवर्नमेंट से मेरा कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट किसी का, कोई भी गवर्नमेंट रही हो इंडिया में, किसानों के हित में किसी ने नहीं सोचा है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सरकार पे तो कोई इल्जाम नहीं लगाते हैं। तो किसान साथियों वही मैं कहना चाहता हूँ, शुरुआत से लेकर आखिर तक होने लगा अब शोषण, कृत्रिम रूप से बाजार बनाए गए, शुरुआत में भी 700 तक के सौदे हुए कोल्ड भरवाने के लिए, कोल्ड भरने के बाद में अब 1000 रुपये तक के भी सौदे करवा दिए कि एक दो कोल्ड स्टोर में, और उसके बाद में आप लोगों को लगने लगा कि आलू 1200-1400 रुपये बिकेगा, और कुछ लोग तो अब भी जिनके पेट में दर्द होता है जो 700 बिक जाते हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ 950, और जिसका 900 बिकता है तो वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। तो ऐसे ही लो, ये जो फ्रॉडगिरी हुई है आप लोगों के साथ, जो जालसाजी हुई है, इसमें आप लोगों को उलझा के रख दिया, जब आप उलझे तभी आपने वो किया। हम लगातार आप लोगों से ये कहते रहे 850-900 रेट चल रहा है, बेच दीजिए, कोई ख़राब रेट नहीं है, लेकिन इन भंसारियों के चंगुल में पूरी तरीके से फंस के रह गए। भंसारी तो यही इनका काम है, भंसारी और व्यापारियों का तो यही काम है, इन्होंने अपना आलू निकाल दिया, अब आपके आलू पे शोषण करेंगे, अब इनके मर्जी क्या चल रही है वो लेने नहीं है, और आप देने के लिए उत्सुक बैठे हैं, अब आपका शोषण ही हो रहा है। चलिए किसान साथी बोली देख लेते हैं। अरे मैंने कहा चलो 5 लाख बोलो 11 है, चलो अरे भैया 11 तुम्हारे आई बोल लाल जी।
साथी मेरे साथ में एक युवा किसान मौजूद हैं और जो लगातार अपने आलू के प्रति सचेत रहते थे और कमेंट करते थे मेरा आलू काफ़ी अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। मैं आज इनसे पूछ लेता हूँ क्या रेट आलू का बिका है, क्या क्वालिटी बिक रही है या हर आलू एक रेट पर बिक रहा है? नहीं, हर आलू तो नहीं बिकता है, जैसी क्वालिटी होती है वैसा माल जाता है। क्वालिटी अच्छी होगी, गोल आलू होगा तो अच्छा जाएगा, जैसी क्वालिटी वैसा आलू जाता है। नहीं, यहाँ का आज का रेट कुछ बहुत ही कम है, मैं आपको बता, बहुत ज़्यादा कम है। 600, 630, 640, 650 कुछ नहीं। आलू खुदाई हुई थी तो बहुत ऊपर था, खुदाई के चलते देखते हुए किसानों ने आलू को भर दिया। अब क्या है कि कुछ नहीं है, अब तो शोषण किया जा रहा है। 740 का लगाया, आप देख सकते हो कितना अच्छा आलू है, गोल 97 चंबल न्यू बीज है। अगर मतलब इसे हम लगाना चाहें तो अच्छी पैदावार देगा। चंबल का बीज है ये? चंबल है तो न्यू बीज है, बेचना है? बेचना है, हमें तो बेचने ही आए थे, अब क्या करें। 740 रुपये लगाया है, इसमें देने से क्या होता है, 150 रुपये कोल्ड का हो गया, 120, 130 भाड़ा हो गया, लेबर हो गई, तो उससे तो कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं लुट गया किसान। तो अगर बात की जाए, मैं एक, आपने भी योगेश भाई आपने भी एक बार नोट की होगी, खेतों पे जो सौदे होते हैं वो कोल्ड भरवाने के लिए होते हैं। हाँ वो तो है, खेतों पर जो कोई मामला होता है वो कोल्ड स्टोर मालिकों का ही होता है, वही अपने बंदे छोड़ देते हैं ताकि हमारा कोल्ड भरा जाए, किसान गुमराह किया जाए, किसान को गुमराह किया जाता कुछ नहीं। यो कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, कोल्ड भी भरे गए, कोल्ड भी भरे गए बोला था, कोल्ड नहीं भरे जा रहे हैं। वो जो कुछ भी होता है ये कोल्ड मालिक हुए या बड़सारिया हुए उनका होता है। अब क्या है कि वो बड़सारियों की बात की जाए, चाहे वो छोड़ दीजिए, जो बात गुजर गई वो लौट के नहीं आनी है। इस समय पे अभी महीना भर पहले आपने देखा होगा रेट 950 तक पहुँच गया था, कहीं कहीं 1000 रुपये प्रति पैकेट, यानी कि देखिए हर सैंपल का नहीं लगता है। आपने ये बात नोट की है, 100 सैंपल खुले, 100 सैंपल में थे एक या दो लौट के लगते हैं अच्छे दाम, बाकी वही बिकता है 700, 750 जैसी आलू क्वालिटी वैसी। वो क्या होता है, जैसे कि मैं व्यापारी हूँ, मैंने अपना आलू रख दिया, अब मैंने ही अपना आलू निकलवा दिया, तो सारी सलामिली होती है, मेरा आलू मैंने ही भूल दिया कि 1000 में जा रहा है, वो उड़ा दी अफवाह, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अफवाह उड़ाई थी उसी से तो एक माहौल बना था कि आलू 1000 रुपये पैकेट आगरा में बिक रहा है, फिरोजाबाद में इतने रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है, कई पर्चियां वायरल कर दी। अब इन भंसारियों ने अपना आलू निकालने के लिए किसानों को गुमराह कर लिया, जैसे शुरुआत में स्टार्टिंग में खुदाई के समय सेम यही किया। अब इन्होंने क्या है, अपना आलू निकाल दिया, मंडियों में बेच दिया, चाहे वो व्यापारी हों चाहे भंसारी हों। अब क्या रहा, अब जो कोल्ड स्टोर में रहा है वो किसानों का आलू है, अब किसानों का आलू है और किसानों से खरीद रहे हैं, क्योंकि जब आवश्यकता व्यापारियों की थी आलू खरीदने की तब किसान नहीं दे रहा था, क्योंकि भंसारियों ने क्या है अपना आलू निकालने के लिए कोल्ड से हवा बना दी 1000 रुपये की, तो किसान रुक गया अपना आलू, क्या अब तो 1200-1500 होगा। अब इस समय पे क्या स्थिति है, व्यापारी लेने के लिए तैयार नहीं और किसान देने के लिए तैयार बैठा है। अब तो व्यापारियों ने मजाक बना रखा है, अब क्या है कि अब तो व्यापारियों ने सोच रखा है कि किसान का आलू है, अब तो हम चाहेंगे जैसे लेंगे, उनकी मनमानी हो रही है। किसान तो भाग रहा है, किसान को आलू देना है, ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके घर में पैसा हो। तो पहले सोचना चाहिए था ना, कि पहले जब इन्होंने 1000 रुपये का जो अफवाह उड़ाई थी 850-900 हो रहा था, उस समय पर किसान क्यों नहीं सचेत हुए? गुमराह किसान, गुमराह किया गया था, उसे साजिश में फंसाया गया था, किसान भोला होता, आप भी जानते हो किसान बहुत भोला होता है। जो आदमी पैदा करे, पेड़ लगाए, बड़ा करे, सींचे, फसल पकाए, फिर उसे गुमराह किया था, किसान गुमराह किया गया था, उसे गड्डियाँ दिखाई गई तो गुमराह किया गया था, गुमराह होने के बाद कोल्ड लाया, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा माल उचित दर में जाए, अच्छे पैसे में जाए। फिर भी इस समय पे भी 1000 रुपये का एक रोमर बना के रुकवा दिया किसानों को, वो गुमराह, साजिश क्या होती है, फसाया जाता है और फसाया जाता है। और किसानों को आपने भी योगेश भाई कई किसानों से कहा, सब भैया से भी कहा, भी जो बैठे थे कि निकाल दो 850-900 तक का बिक रहा है, लेकिन नहीं आए? नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और अब स्थिति ये हो गई कि व्यापारी और भंसारी ने अपने आलू निकाल दिया, अब आप लोगों का, आप लोग देने के लिए तैयार हैं, किसान देने के लिए तैयार है, अब व्यापारी नहीं ले रहे, क्योंकि किसान तो घर से आता है वो देने के लिए ही आता है, उसे पता है कि हमें जाना है, हर किसी को जरूरत होती है पैसे, किसान तो देने के लिए आता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। किसान को खेती, कभी किसी को खेती को पैसा देना है, किसी को खेती कमानी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अब कुछ नहीं है। यहाँ आओ और व्यापारियों को दे के चला जाओ,
किसान साथियों, यही तो हम बार बार आप लोगों से कह रहे थे कि ये भंसारी और के व्यापारियों की एक मिली भगत एक षड्यंत्र होता है और इसमें 1000 रुपये के और 1150 का भी कोई सौदा करवा दिया, कोई 1050 का भी करवा दिया और अपना आलू उन्होंने मंडियों में खपा दिया। अब बात आई भंसारियों ने भी निकाल दिया, कोल्ड मालिकों ने भी निकाल दिया और निकाल दिया व्यापारियों ने। अब बात आई आप लोगों की, अब आप लोगों का तैयार हैं आलू के लिए तब व्यापारी नहीं ले रहा, व्यापारी अब अपनी मन की कर रहे हैं क्योंकि जब उन्हें आवश्यकता थी तब आपने नहीं दिया, अब उन्हें आवश्यकता नहीं है तो अब आप जैसे कहने वाली कहावत होती है ना, जब उन्हें आवश्यकता थी तब आपने नहीं दिया, अब आपको आवश्यकता है तो वो नहीं ले रहे, ऐसे में बर्बाद आप ही हुए किसान, भंसारी बर्बाद हुए, बता देना भंसारी बर्बाद हुए, व्यापारी बर्बाद हुए, ओल्ड मालिक बर्बाद हुए, नहीं बर्बाद कौन हुआ, आप जैसे किसान हुए जो इस षड्यंत्र के शिकार हुए। 800 साढ़े 800 तक का भी आपने मना कर दिया कि हम आलू नहीं बेचेंगे, बहुत कोल्ड स्टोर में हमने देखा 900 साढ़े 900 तक भी अपना सौदा कैंसिल किसानों ने करवाया था, ऐसे में अब आप मनमानी बिल्कुल होनी है क्योंकि व्यापारी अपना आलू निकाल चुका है, भंसारी निकाल चुके हैं, तो ऐसे में क्योंकि अब उन्हें आवश्यकता नहीं है, अब तो वह गज पर है सौदा है, जितना चाहिए उतना लेंगे, नहीं तो नहीं, अन्यथा की स्थिति में जाओ आप अपने घर बैठो या आपसे ये कह दिया जाएगा मंडी अपने आप सीधे ले जाओ। तो ऐसे ही इन षड्यंत्रकारियों से बचाने के लिए हमारी ये मुहिम लगातार जारी है, लेकिन आप लोगों को एक चैनल वाला इतने बुरी तरीके से फंसाता है और वो एक दूसरे के प्रति नफरत का जाल फैला रहा है, ऐसे नफरत के जाल से बचिए, अपना आलू अच्छे रेट पर बेचते रहिए। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।